बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आईटी एकेडमी के क्लाउड सिक्योरिटी नॉलेज कोर्स में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं आपका ट्रेनर हूँ इस कोर्स के लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हम इस लेक्चर में CCS के कोर्स से आशना होंगे, यानी लेक्चर नंबर 1 विल बी इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर CCS के। क्लाउड टेक्नोलॉजी को आए हुए लगभग 1 डिकेड से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो 2012 में मैंने पहली बार क्लाउड कंप्यूटिंग का एक वर्कशॉप अटेंड किया था और तब पहली बार मैं क्लाउड मॉडल IaaS, PaaS और SaaS से आशना हुआ था। क्लाउड के बारे में एक मुद्दत तक ये भ्रम फैला रहा कि ये सिक्योर नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी दिनों तक इसको एडॉप्ट करने से बचते रहे, लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, ऑर्गेनाइजेशंस इसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को लेकर और कॉन्शियस हुए और बहुत सारे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स की मदद से, जैसे NIST, ISO, उनकी मदद से क्लाउड सिक्योरिटी को एक शक्ल देने की कोशिश की गई। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही बात क्लाउड की होगी, अगला मुद्दा उसकी सिक्योरिटी का होगा। क्लाउड में है तो वही सब कुछ जो हम ऑन प्रेम इंफ्रा में यूज करते हैं, लेकिन एक खास चेंज है क्लाउड में और वो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल नेचर ऑफ क्लाउड। ऑन प्रेम इन्वायरमेंट में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में जो हम फिजिकल नेटवर्क, एंड पॉइंट, एक्सेस मैनेजमेंट और इस तरह के जो भी कंट्रोल्स यूज करते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन खुद जिम्मेदार होते हैं, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी, चाहे नेटवर्क से रिलेटेड कंट्रोल हो, चाहे वो एक्सेस से रिलेटेड कंट्रोल्स हो, उन पर इस तरह के किसी भी कंट्रोल लगाने की पूरी जिम्मेदारी उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है। उसके बरक्स क्लाउड में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल होता है, जहां सिक्योरिटी क्लाउड कंज्यूमर और क्लाउड प्रोवाइडर की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल इन द कमिंग लेक्चर्स। फर्स्ट लेट अस सी द क्लाउड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल इन द मार्केट और सिक्योरिटी स्पेशली द क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स लाइक मी, यू और एनी अदर। सो द मोस्ट पॉपुलर क्लाउड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस आर हेयर लिस्टेड। द ओल्डेस्ट इज CCSK, आई थिंक लॉन्च अराउंड 2010 बाई क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस। उसके बाद आता है नंबर CCSP का, CCSP बाई ISC Esquire। ये वही ISC Esquire है जिसका एक बहुत ही मशहूर सर्टिफिकेशन है CISSP। हालांकि CCSP ICS-Wire का सर्टिफिकेशन है, लेकिन CCSP का जो सिलेबस है वो डिज़ाइन ICS-Wire और क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस ने मिलकर किया है। नेक्स्ट इज ISO 27017। ये ISO 27001 की फैमिली का ही सर्टिफिकेशन है, जो कि क्लाउड में सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में बात करता है। लाइक वी हैव सीन ISO 27001, देयर आर 114 कंट्रोल्स एंड अभी नया जो गाइडेंस आया, नया जो स्टैंडर्ड आया है, उसमें कंट्रोल्स कुछ कम हुए हैं, 93 कंट्रोल्स आर देयर। सो ISO 27017 टॉक्स अबाउट दोज कंट्रोल्स और यू विल फाइंड ऑल दोज कंट्रोल्स लिस्टेड इन ISO 27001। You will find here in 27017. Apart from that, you will find some extra controls related to cloud services. Next comes in Certificate of Cloud Auditing Knowledge. Again, it is by Cloud Security Alliance. It was introduced by Cloud Security Alliance a couple of years back, just to keep the cloud-based auditing in mind. And recently, EC Council, whose very popular certification is Certified Ethical Hacker, CEH, has launched a
सर्टिफिकेशन कॉल सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर लास्ट मंथ, आई मीन इन जनवरी 2022. ऑल दिस सर्टिफिकेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट, CCSK, CCSP, CCAK, ISO 27017, सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, ऑल आर वेंडर न्यूट्रल सर्टिफिकेशन. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द सम पॉपुलर वेंडर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन लाइक AWS सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिटी. AWS सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिटी टॉक्स अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द सिक्योरिटी इन AWS क्लाउड. तो आप यहाँ पे AWS क्लाउड में सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, डिफरेंट कंट्रोल्स कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे और देन यू कैन गो विथ योर सर्टिफिकेशन ऑफ AWS सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिटी. लाइकवाइज माइक्रोसॉफ्ट हैज Azure सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, AZ 500, यस AZ 500 के नाम से भी जाना जाता है. इसका एग्जामिनेशन कोड है, इसका सर्टिफिकेशन कोड जो है वो AZ 500 है. अपार्ट फ्रॉम दिस माइक्रोसॉफ्ट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड फ्यू अदर सर्टिफिकेशन लाइक SC 900, SC 300, SC 200 रिलेटेड टू अगेन क्लाउड सिक्योरिटी ऑफ स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट Azure क्लाउड सिक्योरिटी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग अबाउट CCSK. सो हियर इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ CCSK सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेट ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी नॉलेज वाइडली नोन एज CCSK is a certification from Cloud Security Alliance. Cloud Security Alliance एक not to profit और ये आप ये कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विद द मिशन टू प्रोमोट द यूज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एश्योरेंस विद इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑन द यूजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टू हेल्प सिक्योर ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग. टारगेट ऑडियंस फॉर द सर्टिफिकेशन आर IT सिक्योरिटी ऑडिटर्स, स्पेशली द क्लाउड सिक्योरिटी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ऑडिटर्स है एंड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स लाइक यू एंड मी. एग्जामिनेशन ओवरव्यू ऑफ द सर्टिफिकेशन CCSK V4. अभी करंट जो वर्जन चल रहा है एग्जामिनेशन का वो है V4. इससे पहले V3, V2 रह चुके हैं. सो द CCSK V4 एग्जामिनेशन टोकन प्राइस इज $395. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 60. Question format will be multiple choice and multiple response. Time limit for the examination 90 minutes. Passing your score is 80% and it is an open book exam. For more FAQ, you can visit this link. अब यहाँ पे आपको तो लग रहा होगा कि open book exam है, मतलब किताबें खोलनी हैं और answer कर देने हैं. No, not at all. आप ऊपर देखिए 60 questions, 90 minutes. So almost 1.5 minutes for one question. बहुत ही tough exam है. If I talk about my experience, one of the toughest or hardest exam, certification examination I have ever faced. आप question complete कर ही नहीं पाएंगे. The 60 questions you won't be able to complete. उससे पहले ही आपका timer बंद हो चुका होगा. और क्वेश्चंस बहुत ही ट्विस्टेड होंगे. आपको लग रहा है कि ओपन बुक एग्जाम है, किताबें खोली, आंसर कर दिए. बिल्कुल नहीं है. यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड आंसर ऑफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बाय जस्ट विजिटिंग द पेजेस ऑफ द बुक्स और मटेरियल्स यू हैव. आप सिर्फ पन्ने पलटकर आंसर हासिल नहीं कर सकते. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होता है. बहुत ही कम ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं. आपको अगर आंसर करना है तो यू हैव टू रीड 2-3 पैराग्राफ. अब दो पैराग्राफ पढ़ के जब आप आंसर करेंगे तब तक दो मिनट निकल चुका होगा आपका. सो अगर आपको इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है, प्लीज़ डू नॉट गो विथ एनी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड ऑल. लाइन बाय लाइन बुक्स को आप कंप्लीट करें. पूरा कंसेप्ट जो 14 डोमेन्स है CBO के, कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज के 14 डोमेन्स है, वी विल टॉक अबाउट इट द नेक्स्ट स्लाइड. वो 14 डोमेन को कंप्लीट करें, उनके बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ें और कंसेप्ट क्लियर करें, देन ओनली गो फॉर एन अटेम्प्ट. और इस टोकन प्राइस में, इस वाउचर में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको.
यानी अगर आप ये पहला अटेम्प्ट खुदा ना खास्ता फेल भी हो जाते हैं, यू कैन हैव सेकेंड अटेम्प्ट विदाउट एनी कॉस्ट। बट अगेन ऐसा मत समझिएगा कि दो है मैं निकल जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आप पहला अटेम्प्ट तभी करें व्हेन यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ रेडी, व्हेन यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ लाइक आपके साथ जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर है, जितने भी 14 डोमेन्स हैं उनके कंसेप्ट आपको क्लियर है, यू हैव डन सम प्रैक्टिस टेस्ट, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं, यू कैन गो विद इट, यू कैन चेक विद इट, और फिर आप जो है तब आप इसको ट्राई करें। नेक्स्ट बात होती है क्लाउड सिक्योरिटी नॉलेज के 14 डोमेन्स, सीबीओ के, जिसको कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जहाँ सिलेबस तैयार होता है। तो सीसीएस का जो कॉमन बॉडी ऑफ नॉलेज है वो इसके सिलेबस को 14 डोमेन में डिवाइड करता है। आई टॉक अबाउट द 14 डोमेन्स। Domain 1 is cloud computing concepts and architecture. Domain 2 is governance and enterprise risk management. Domain 3, legal issues, contracts and electronic discovery. Domain 4, compliance and audit management. Domain 5 talks about information governance. Domain 6, management plan and business continuity. Domain 7 is infrastructure security. Domain 8 is virtualization and containers. Domain 9, incident response. Domain 10, application security. Domain 11 is data security and encryption. Domain 12 is identity, entitlements and access management. Domain 13 is security as a service or SecAx. Domain 14 is related technologies. ये 14 domain है, the 14 domains that we are going to discuss about during our lectures. So this is all for this lecture. We will discuss about all the concepts of domain 1, cloud computing concepts and architecture in the coming lecture. So please join me in the next lecture. Till then, thank you.